6.5 कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग, अंडरलाइन करो मशीन आवर रेट, एक घंटे का रेट निकालना है। कॉस्ट ऑफ मशीन 8000, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 2000, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स 2000, ये सब 8000 प्लस उसमें 2000 करेंगे 10000 होगा, स्क्रैप 2000 माइनस करेंगे वापस 8000 आ गया, डिवाइड बाय 10 करेंगे 800 आ जाएगा। रेट्स एंड रेंट, रेंट दिया हुआ है फॉर ए क्वार्टर, क्वार्टर को सर्कल में ले लो, फॉर ए क्वार्टर, फॉर द शॉप 300, एक क्वार्टर का। तो हम लोग अगर पर एनम में अगर टारगेट देगा तो इंटू फोर करके जाएंगे। जनरल लाइटिंग 20 पर मंथ, जनरल लाइटिंग पर मंथ में दिया हुआ है। तो अभी जब तक हमको यहां जो बता रहे थे ना कि टारगेट नहीं मिलेगा, तब तक नहीं पता चलेगा कि हमको मंथ में कन्वर्ट करना है या एनम में जाना है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी 600 पर क्वार्टर, क्वार्टर को सर्कल में लो। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए मशीन, एक मशीन का दिया हुआ है 60 पर एनम। एस्टिमेटेड रिपेयर्स फॉर ए मशीन, ए मशीन 100 पर एनम है, पर मंथ, पर एनम, क्वार्टर, इसके ऊपर ध्यान देना है। पावर 2 यूनिट्स पर आवर, एक घंटा चलेगा तो 2 यूनिट होगा, एंड पावर का रेट है 5 रुपीस में 100 यूनिट्स, तो 5 रुपया को पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा, तो 2 यूनिट का हम लोग ले लेंगे। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम, पर एनम आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग वापस 2000 आवर्स लिखेंगे पर एनम, यानी हमको सब कुछ पर एनम में जाना है। बट नीचे में कुछ बात बोला है, द मशीन ऑक्युपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप, यानी जब रेंट लेंगे और जनरल लाइटिंग लेंगे, जैसे अभी देखिए ना, रेंट कितना बोला था 300 रुपया पर क्वार्टर, तो 1200 रुपया थोड़ा ना लेंगे, 1200 रुपये का कितना लेंगे 1/4, क्योंकि यहां पर आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि मशीन 1/4 एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है। शॉप सुपरवाइजर देखेंगे जी, सुपरवाइजर का सैलरी 600 पर क्वार्टर था, यानी टोटल 2400 रुपया था, बट यहां पर आपको मेंशन कर दिया है कि शॉप सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन, तो जो भी आएगा उसका 1/6 लेंगे। जनरल लाइटिंग, जो जनरल लाइटिंग है उसको किसके ऊपर बांटना है कुछ नहीं बोला है, बट यहां पर आपको बता दिया है कि किससे लेना है, तो फ्लोर एरिया से लेंगे 1/4, नहीं भी बोलता तो हम लोग 1/4 करके नोट पुट कर देते। तो चलिए अभी एक एक करके हम पढ़ते हैं वापस से और सम्स को भी बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल दो, डिप्रिसिएशन 8000, इंस्टॉलेशन 2000, स्क्रैप वैल्यू 2000, डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, तो यहां पर आ गया 800 पर एनम। पर एनम थोड़ू ना चाहिए हमको, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय 2000, कितना आएगा देखिए, 800 डिवाइडेड बाय 2000 0.4। आगे है रेट्स एंड रेंट, फिक्स में जाएगा, कितना लिखा हुआ है देखिए, पर क्वार्टर 300, 300 इंटू 4, 1200 आ गया पर एनम, बट हम 1200 नहीं लेंगे, 1/4 करेंगे, कितना करेंगे 1/4। देखिए जितना भी फिक्स एक्सपेंस होता है ना उसको सब एक जगह रखिएगा, फिर एक साथ उसको हम लोग 2000 पर एनम से डिवाइड कर देंगे तो एक घंटे का आ जाएगा, बट इसको हम लोग हर एक को अलग अलग डिवाइड करके निकाल लेंगे, कोई इसमें अलग ये नहीं कि हमको हर हालत में 2000 एनम का ही लेकर आना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग करते जाएंगे, निकालते जाएंगे और पर आवर वहां पर दिखाते जाएंगे।
कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, जनरल लाइटिंग, ट्वेंटी पर मंथ 20 इंटू 12, ये देखिए पर एनम में पहुंचा दिए, बट हम लोग कितना लेंगे, 1/4, क्योंकि उसको बोला है कि एरिया से ही लीजिए, तो 240 / 4 तो 60 रुपीज। बात आ रहा है ना समझ में? सो सुपरवाइजर सिक्स हंड्रेड पर क्वार्टर, तो 600 × 4, बट 2400 नहीं लेंगे। वहां देखिए क्या बोला है, 1/6, आप देख रहे हो कि हम लोग इंटू फोर किए, क्वार्टर था इसीलिए, इंटू 12 किए, मंथ था। पहले हम लोग पूरा एक साल का लेकर आए, यहां पर एक साल का टारगेट दिया हुआ है, बट फिर हम लोग वो अमाउंट नहीं लिए क्योंकि नीचे में आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि टोटल ये कॉमन एक्सपेंस है, 1/4 ही लेना है। तो कॉमन एक्सपेंस अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे, मशीन से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उसी को हम लोग लेते हैं, तो हम लोगों ने यहां पर मशीन से रिलेटेड 1/4 ले लिया, 1/4 ले लिया और 1/6 ले लिया। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए मशीन, एक मशीन का दिया हुआ है कितना, 60, लिख दिए। रिपेयर्स आपको कितना दिया हुआ है पर एनम, ये 100 रुपया पर एनम दिया हुआ है, और एक साल में मशीन कितना चलता है, 100 को कितना रहा, 0.05, यानी 5 पैसा रिपेयर्स भी लगेगा। पावर, आपको दिया हुआ है 5 रुपया, डिवाइड बाय 100 यूनिट्स इनटू कितना यूनिट, 2 यूनिट्स, कितना, 10 पैसा। हाँ, पर आवर लेंगे ना, अभी पर एनम दिया हुआ है यहां पर लिख दिया। अब ये टोटल को ऐड करेंगे, ये टोटल फिक्स एक्सपेंस हुआ कितने साल का, एक साल का, सबको जैसे जैसे बोला था प्रोपोर्शनेट ले लिए, इसमें कुछ नहीं बोला था, यहां तो बोली दिया कि एक मशीन का पर एनम है, तो एक मशीन का हम लोग ले लिए, अभी सभी को टोटल करके 2000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा। बट इसको तो हम लोग संग संग कर लिए क्योंकि यहां पर देखो 5 रुपया पर यूनिट है। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, एनम में कन्वर्ट करते हैं, उतना लंबा चौड़ा आप कैलकुलेशन में मत जाना, ओके। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं करने के लिए, ये अब हम टोटल कर लिए, ये टोटल आ गया कितना, आ गया 820, एक साल का हुआ। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे आवरली रेट, 820 को डिवाइडेड बाय कितना से करेंगे, 2000 से, 0.41, अब सभी को जोड़ दीजिए, 0.96 मशीन आवर रेट, 1 घंटे का रेट आ गया। क्या देखा हम लोगों ने, फिक्स को एक जगह, अगर एनम में दिया है तो एनम में, मंथ में दिया है तो मंथ में, सब पूरे का यहां पर टोटल कर लो, टोटल करके एक साथ निकाल देंगे, बट वेरिएबल का अलग अलग हेड, यही 3 होता है, निकाल कर रख देंगे।